चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखेंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बता दूं और जूल के बारे में बता दूं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है, एनर्जी की यूनिट है। अच्छा, इसके अंदर खास बात क्या है, जैसे हम लोग जूल लेते हैं तो जूल जो है आपकी एक बड़ी यूनिट है एनर्जी की। बड़ी यूनिट एनर्जी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप, मैं कहता हूँ कि पानी को गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी जूल में आएगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसको एक्सेलरेट करने में एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी खर्च होती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। यानी कि एनर्जी की एक स्मॉल यूनिट है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जिस तरह से मान लीजिए आप चावल लेते हैं केजी में और गोल्ड लेते हैं आप लोग तोला में, तो तोला जो है वो स्मॉल यूनिट है, ठीक है जी, क्योंकि गोल्ड महंगा है तो तोले में मेजर किया जाता है, और चावल सस्ते हैं तो किलो में किए जाते हैं। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपके एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बात क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ 0 वोल्ट ले लिया, इस जगह पर 1 वोल्ट ले लिया। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट जोड़ी है, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव प्लेट जोड़ी है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते 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 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर पहुँच गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इस जगह पर पहुंच गया और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन लगातार जाते रहेंगे, अट्रैक्ट होते रहेंगे और फिर वहां से ऐसे घूमकर सर्किट को कंप्लीट करते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर जो टोटल एनर्जी है और इस जगह पर जो टोटल एनर्जी है, दोनों टोटल एनर्जी मेरी क्या होंगी, सेम होंगी। दोनों टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एक तरीके से क्या होगा, सेम होगा। टोटल एनर्जी हर कोई जानता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। मान लीजिए इनिशियल फर्स्ट है तो ये फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट हो गई। अब इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक। इसी तरह से ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये इधर चला गया तो KE2 माइनस KE1, और ये इधर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2। अच्छा जी, अब ये हो गया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा भाई मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेल्टा लगा देंगे, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड लेंगे, कुछ भी करो क्वांटिटी आपको पॉजिटिव में लानी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये इनिशियल माइनस फाइनल है, तो रिजल्ट भले ही नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो लेकिन हमें लिखना तो पॉजिटिव ही पड़ेगा। तो ये कैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कहानी आप आगे समझेंगे जो आपको मुझे समझानी है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो सिंपल सी सीधी बात है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, यानी कि सिंपल सीधी बात है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा, वो आप लोगों को देखनी है। देखिए किस तरीके से, जैसे समझिएगा ध्यानपूर्वक इस जगह पर, तो आपके सामने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। अब मैं इधर आपके सामने कुछ चीज़ करने जा रहा हूँ, उसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए सबसे पहली बात क्या है, आप लोगों ने एक बहुत ही प्यार से छोटी सी चीज़ देख ली है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा आया था KE2 माइनस में KE1 बराबर में। अच्छा ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा ये मेरा आया क्या था, ये मेरा आया था पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस जगह पर इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया। अच्छा अब यहाँ एक छोटी सी बात समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस में काइनेटिक एनर्जी 1 है, अब पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर लिख दूंगा QV1 माइनस QV2। मैंने आपको पहले ही बताया था इस जगह पर कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरी चार्ज इंटू पोटेंशियल होगा। अच्छा इतना करने के बाद अब मैं एक काम करूंगा, इस जगह पर ये मैग्नीट्यूड है। अच्छा अब मेरी एक बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहाँ पर मैं एक चीज़ और दोबारा से लिख रहा हूँ, इस जगह पर थोड़ी जगह कम है तो मुझे रब करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक जरा।
कपड़ा कहाँ कर दिया, चलिए ये रहा। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, जगह कम है तो मैं इस चीज़ को एक बार ऊपर लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी Ke2 - Ke1 मैंने ऐसे ही रहने दिया, बराबर में Q कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो Q मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरा V1 - V2 हो गया। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर ना आपको दो चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक चला और इस जगह पर जब इलेक्ट्रॉन आया तो मैंने उसे रेस्ट पर मान लिया। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन मैंने रेस्ट पर मान लिया, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने लेट किया है। तो अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर मान लिया तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv². तो अगर ये चीज़ जीरो होगी तो फाइनली Ke1 जो मेरी होगी वो भी जीरो हो गई। अच्छा अब एक छोटी सी बात को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे जो मुझे आपको समझानी है। अब इस जगह पर जाहिर सी बात है ये तो जीरो हो गई, तो Ke2 - Ke1 करना था तो Ke1 तो जीरो हो गई, तो बचेगा क्या, Ke2 बचेगा, ठीक है बराबर। अब Ke2 बचा, उसके बाद पार्टिकल कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -e होता है, और मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो e होता है, बात क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल सी सीधी बात क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, वो e है। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को जो दौड़ा रखा है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे दौड़ा रखा है, देखिए 0 से 1 0 से 1, तो जो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस मेरा 1 वोल्ट आएगा, ठीक। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो मेरी आ गई वो क्या आ गई, इस 1 को आगे ले लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब मैं समझाता हूँ क्या है, डिफाइन पर एक बार नजर डालिए, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही, ये बात मैं बता चुका हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख दिया उसने 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। अभी इसको आप याद कर लेंगे, थोड़ी समय के बाद मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को आप ध्यानपूर्वक से समझेंगे। ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पोजिशन पर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पोजिशन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पर उसको एक्सेलरेट कराऊं तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से अगर मैं मूव एक्सेलरेट कराऊं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस 1 वोल्ट रखूं और इलेक्ट्रॉन यहां पर रेस्ट पर है तो यहां इसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। वो यही कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर लेकर आऊं अंडर द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करूं रेस्ट पोजीशन में और मैं यहां कितना ले लूं डिफरेंस 1 वोल्ट ले लूं, तो उस बीच उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहां पर 2 वोल्ट ले लूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 2 पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव कराऊं तो उस टाइम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसी तरह से अगर मैं 0 और यहां 3 ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी 3 वोल्ट हो जाएगी। यानी कि सिंपल सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लिया उसको रेस्ट पर ले गए, ठीक, एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया, उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा, उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, ठीक। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख करके कुछ 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर बेस्ड, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन लिख कर आता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे सामने। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट का मतलब है V1 मेरी जीरो हो गई, V1 जीरो हो गई तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv², तो V मैं 0 पुट कर दूंगा तो मेरी Ke1 भी जीरो हो गई, ठीक है ना। तो कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर द 2 वोल्ट पोटेंशियल, कितने वोल्ट पोटेंशियल, 2 वोल्ट, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मुझे इसने 2 वोल्ट दे दिया, 2 वोल्ट दे दिया। कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मुझे काइनेटिक एनर्जी 2 निकालनी है। अच्छा, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, इतनी बात तो मैं जानता हूँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन खास बात मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू वॉल्यूम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगा Ke2 - Ke1
बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का लिखूंगा चार्ज इंटू में डेल्टा वी, भाई डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अच्छा के ई वन मेरी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि रेस्ट पर था तो ये चीज तो मेरी जीरो हो गई, तो मेरी के ई टू निकलेगी। अच्छा जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल कौन सा मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ई, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टू वोल्ट, तो यहाँ पर वी की जगह लिख दिया टू वोल्ट। अब टू आगे लिया, टू आगे लिया तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी आ गई, मेरी आ गई काइनेटिक एनर्जी टू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल सीधी बात है, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पोजीशन पर दो पोटेंशियल के डिफरेंस पर मूव कराता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख के कराता हूं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं लिख दिया आपके लिए, कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द इनिशियल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही बढ़िया, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया लगा मुझे। अंडर 3 वोल्ट पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 3 वोल्ट है। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात, यानी कि जो मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने मुझे दे दी है वो 3 कितना दे दिया 3 वोल्ट दे दिया। अब जरा ध्यान समझिए, मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए, क्यू इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, अच्छा सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे डेल्टा पी से। अब ध्यान से चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना है तो चार्ज आप देखेंगे चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है, और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना दे दिया 3 वोल्ट दे दिया, तो यानी कि 3 वोल्ट हो गया यानी कि 3 को आगे ले आइए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। काइनेटिक एनर्जी 1 मेरी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे अच्छे से पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरी बराबर होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो ठीक है मैंने लिख दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐसी रहने दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या है Ke2 माइनस में Ke1 बराबर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब Ke2 बराबर, एक बात ध्यान समझिए, यहाँ पर एक कॉमन सेंस आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसने एक बात बोली है एक्सेलरेटेड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। एक्सेलरेशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी उससे ज़्यादा आनी चाहिए। तो देखें कितना होगा, तो Ke2 माइनस Ke1 मुझे दे रखा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरी Ke2 जो फाइनल हो गई वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। बात क्लियर, ध्यानपूर्वक आप समझेंगे इस चीज को। चलिए बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिटार्डेड फ्रॉम द इनिशियल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी अंडर द 3 वोल्ट पोटेंशियल, 3 वोल्ट पोटेंशियल, कैलकुलेट द इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी एक बात को ध्यान से बजिए, आपका जो फॉर्मूला था सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताइए, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ई होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, तो यानी कि 3 वोल्ट मैंने लिख दिया, तो यानी कि क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो 3 ई भी मैंने लिख दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी, इस वर्ड पर नज़र डालो, ये वर्ड है रिटार्ड। अब रिटार्ड है तो जरा ध्यान समझेंगे, आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, कितनी आ गई आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब मेरी एक बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे, आपका जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक, बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा,
अब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपको जो ये रखना है, आपको ये पॉजिटिव वैल्यू में रखना पड़ेगा। अब पॉजिटिव वैल्यू में रखना पड़ेगा तो रिटार्डेशन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी घट रही है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर रिटार्डेशन का वर्ड यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, घटने का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होगी किससे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। अब यहाँ पर जो मुझे काइनेटिक एनर्जी लगा निकालनी है, ये आप जानते हैं मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आने का मतलब है, पॉजिटिव कैसे आएगी, इनिशियल बड़ी है और फाइनल छोटी है, और आपको यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव बाहर निकालनी है। तो पॉजिटिव बाहर निकालनी है तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आ जाएगी तो मोड का कोई फायदा नहीं है। मोड को आप लोग 11th के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको मोड में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट बाहर आएगा वो पॉजिटिव बाहर आना चाहिए। तो पॉजिटिव बाहर मैं कैसे निकालूं, मेरा इनिशियल बड़ा है फाइनल छोटा है, तो ध्यान समझिए, ज्यादा में से अगर मैं कम घटाऊंगा, ज्यादा में से अगर मैं कम घटाऊंगा तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सीधी बात क्या है, ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी 1 और कम है काइनेटिक एनर्जी 2, तो मैंने किया काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस में काइनेटिक एनर्जी 2। देखिए अगर मैंने लिख दिया किसी जगह पर डेल्टा ई, तो इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दूं तो इसका मतलब होता है ज्यादा में से कम को घटाओ, इसका मतलब होता है ज्यादा में से कम को घटाओ। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी 1 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 है, और मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 मुझे कितनी दे रखी है, आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है काइनेटिक एनर्जी 1। तो ये हो गया मेरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी सेकंड कितनी आ गई, आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसको आप उधर ले जाइए, चलिए आप इसको उधर ले जाइए, काइनेटिक एनर्जी 2 उधर ले जाइए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर ले आइए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप समझेंगे, आप ये सोचेंगे कि भैया मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी घट कैसे रही है, तो घट कैसे रही है मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें काइनेटिक एनर्जी घटी कैसे। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने छोटी सी चीज आती है, आपके सामने क्या था, आपकी प्लेट थी कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी प्लेट थी, इस जगह पर 0 वोल्ट था और इस जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इस जगह पर 1 वोल्ट था। अच्छा पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाएगा तो अट्रैक्शन फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वो एक्सेलरेशन शो करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा अब मेरी बात ध्यान समझिए, इस पॉजिटिव प्लेट की जगह अगर मैं नेगेटिव प्लेट यहां पर ला दूं तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज नेगेटिव है, और जब इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव चार्ज है तो जब वो इसकी तरफ जाएगा तो उसको इसको ये रिपेल देगा, और रिपेल देगा तो आप समझ जाइए क्या होगा, रिपेल देगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। यानी कि एक छोटी सी बात को यहां से क्लियर कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पर 4 है, और अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव प्लेट रखी तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसकी स्पीड 4 से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव प्लेट रख दूं तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अगर आएगा, भाई इसकी इनिशियल स्पीड 4 थी, अगर वो आएगा इसकी तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, वो इसकी स्पीड को घटा देगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि रोक दे, ऐसा भी हो सकता है कि रोक दे, एक वर्ड आप लोग यूज करेंगे आगे चल के, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसके अंदर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और कोई भी टीचर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करता है। और ये जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें बाकायदा एक वर्ड यूज करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझाने के लिए ही मैंने इसको आपको इस टॉपिक को समझाया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 4 है, इस जगह पर 4 है, आपने यहां पॉजिटिव प्लेट रखी तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहां पर प्लेट नेगेटिव रख दूं, प्लेट नेगेटिव रख दूं और पोटेंशियल बढ़ाता हुआ चलूं, और पोटेंशियल इतना बढ़ा दूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से हिल ही ना पाए, इलेक्ट्रॉन यहां से हिल ही ना पाए, इस तरफ मूव ही ना कर पाए, तो इस भाई इस तरफ ज्यादा मूव मतलब मूव एक तरह से कर ही ना पाए, इतना पोटेंशियल बढ़ा दूं, क्योंकि नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये इतना रिपल्शन करे कि यहीं पर ही ये रुका रह जाए, तो उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब होता है कि जब मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाई तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक्सेलरेट करेगा, लेकिन अगर मैंने प्लेट नेगेटिव लगा दी तो इसको इसको
एक्सेलरेशन से रोक दे, इसको एक्सेलरेशन से रोक दे, इसके एक्सेलरेशन को रोक दे, तो उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा जो होगा, मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, आप एक छोटी सी बात समझिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर चार है, मतलब एक तरह से एनर्जी समझिए इसकी चार है। तो अगर इसको इसकी तरफ भागना है और मुझे इसे रोकना है तो मुझे लगभग लगभग कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो उस एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी चार ही होना चाहिए। यानी कि सिंपल सीधी सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस ये अगर चार की काइनेटिक एनर्जी से इस तरफ आना चाहता है तो अगर मुझे इसे रोकना पड़ेगा तो मुझे भी एनर्जी चार ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चार की स्पीड से इस तरफ बढ़ रहा है तो अगर मैं तीन लगाऊंगा तो फिर एक की स्पीड से बढ़ेगा, दो लगाऊंगा तो दो की स्पीड से बढ़ेगा, और अगर ये चार की से बढ़ रहा है और मैं चार ही लगा दूं तो जाहिर सी बात है ये यहां रुक जाएगा। तो सिंपल सीधी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तरह से काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इस इक्वल में काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, आप इस क्वेश्चन पर नजर डालिए। अब इसका सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप जानते ही हैं, अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस जगह पर है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सब जानते हैं एच ई प्लस प्लस होता है, तो इस पे चार्ज है 2e, तो इस पर अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e है, इस पर चार्ज 2e है। तो जो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरा आएगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब चार्ज मेरा कितना है 2e, अब पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है 3 वोल्ट। तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा आ रहा है 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है जी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मुझसे कह रहा है इफ एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल चार्ज उस पर 2e है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो क्यू मेरा 2e था, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे उसने 3 वोल्ट दे दिया था, इसके बाद में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरी 6 वोल्ट आ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। कह रहा है इवन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे दे दी गई है KE1 = 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझसे KE2 पूछ रहा है, तो मेरे लिए बहुत आसान है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात है बढ़ी रही होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया मेरा KE2 माइनस में KE1 बराबर में, अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल चुका हूँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइनल निकालनी है, तो फाइनल क्या ये KE1 कितना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो KE2 मेरा कितना आ गया इसको उधर पहुंच भेज दो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कहानी है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करूंगा, इस वीडियो को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कहानी तक छोड़ देता हूं। मुझे लगा था कि इसे मैं थोड़ा सा जल्दी करा दूंगा क्योंकि मैं डिफाइन कराना चाहता था, लेकिन अब मैंने इसे डिफाइन से आगे भेज दिया है और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, तो अगली वीडियो से ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।